बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बीफ़ और चने की दाल के साथ शामी कबाब बनाने लगे हैं, जो इंतहाई आसान रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेशर कुकर में दो बड़े साइज़ के प्याज काट के डाल दें। साथ में ही हमारे पास बीफ 1 kg है, वो शामिल कर दें। 2 tbsp भर के लहसुन अदरक की पेस्ट का शामिल कर दें। 1 tbsp नमक का, 2 tbsp लाल मिर्च पाउडर, 2 tbsp सूखा धनिया पाउडर, 2 tbsp हल्दी पाउडर और 2 tbsp सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दें। और साथ ही में साबुत गरम मसाला, जिसमें बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी और काली मिर्ची शामिल हैं, वो शामिल कर दें। 1/2 लीटर पानी का शामिल करें। अभी हम चने की दाल को नहीं ऐड करेंगे और 8 से 10 मिनट के लिए गोश्त को पकने के लिए रख देंगे। ये बीफ का गोश्त है और 8 से 10 मिनट तक हम सीटी लगाएंगे ताकि बीफ का गोश्त हाफ कुक हो जाए। 8 से 10 मिनट हो गए हैं, हमारा बीफ का गोश्त पूरी तरह कुक नहीं हुआ और अब हम इसमें 1/2 kg चने की दाल, वो शामिल कर देंगे। चने की दाल को हमने वॉश करके 1/2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। अब हम दोबारा 5 से 7 मिनट के लिए चने की दाल और गोश्त को हल्की आंच पर पकाएंगे। हमारी चने की दाल और गोश्त का पानी ड्राई हो गया है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे ताकि अच्छी तरह ड्राई हो जाए। ठंडा होने पर हम इसे पीस लेंगे। मुझे लंगरी और घोटने के साथ पिसे हुए शामी कबाब बहुत पसंद हैं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम इसको ब्लेंडर में पीसेंगे। जब हम छोटे थे तो हमारी अम्मी लंगरी में पीस कर हमें शामी कबाब बना कर खिलाया करती थी, जो इंतहाई मज़ेदार होते थे। अब जबकि जदीद दौर है और टाइम की सबके पास कमी है, हमने यहाँ पर कीमा यूज़ नहीं किया, हमने बीफ का गोश्त लिया है, जिसकी वजह से रेशेदार शामी कबाब तैयार होते हैं। अब एक बड़े साइज़ का प्याज ले लें, उसके साथ ही 2 टुकड़े अदरक के ले लें। ये टिप है, लास्ट में अदरक ऐसे करके ज़रूर डालें। 4 से 5 हरी मिर्चें ले लें, इसको हम चॉप करेंगे। साथ में मैं इसमें 1 कप हरे प्याज का ले रही हूँ, मुझे हरे प्याज का टेस्ट अच्छा लगता है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। और साथ ही हरा धनिया पुदीना अच्छी तरह वॉश करके वो भी शामिल कर दें। इन सब चीज़ों को हम हल्का सा चॉप्ड करेंगे और अपने शामी कबाब वाले मिक्सचर में शामिल कर देंगे। इस तरह ये सब चीज़ें चॉप करके डालने से और ख़ासकर अदरक को लास्ट में डालने से बहुत यम्मी सा और टेस्टी फ्लेवर आता है शामी कबाब में। ना सिर्फ यम्मी हो जाते हैं बल्कि बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगती है। इस स्टेज पर आप 2 अंडे भी फेंट के डाल सकती हैं, लेकिन मैं अंडे बीच में नहीं डालूंगी, मैं अंडे ऊपर लगा के फ्राई करूंगी। हमारा शामी कबाब का मिक्सचर तैयार हो गया है। अब आप किसी सांचे के मदद से या फिर हाथ की मदद से शेप दे दें, मुझे ऐसे इजी लगता है तो मैं इस सांचे की मदद से शामी कबाब को शेप दे रही हूँ। इस तरह इक्वल एक ही साइज़ के बनते हैं शामी कबाब। आप हाथ की मदद से बनाना चाहें तो उस तरह भी बना सकती हैं। ये सारे रेडी हो गए हैं। मैंने इन कबाब को 1 आवर के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ करने के लिए रख दिया था। अब ये थोड़े फ्रीज़ हो गए हैं तो किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के आप इनको फ्रीज़ कर दें और जब दिल चाहे आप इनको निकाल के फ्राई करें और इंजॉय करें। इस तरह रखने से ये 2 से 3 माह तक भी ख़राब नहीं होंगे और ऑलवेज़ इनका फ्रेश और यमी टेस्ट आता रहेगा। दो अंडे फेंट लें और अब आपको जितने शामी कबाब ज़रूरत हैं उतने फ्राई कर लें। इस तरह रेडी किए हुए कबाब आप बच्चों को ब्रेड के साथ भी दे सकती हैं और साथ बर्गर्स में डाल के बर्गर बना के भी दे सकती हैं। आई होप बच्चे क्या बड़े भी इंजॉय करेंगे। मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के बटन को भी प्रेस कर दें।
5 से 6 मिनट तक फ्राई करना है, जब तक इनका अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। शामी कबाब फ्राई हो गए हैं और अब आप इन्हें पेपर टॉवल में निकाल लें। तो जी फ्रेंड्स, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही यमी और टेस्टी शामी कबाब तैयार हुए हैं। आप भी इस तरह ज़रूर ट्राई करें और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।